ये भाई इन्होंने कल दो छक्के लगाए हैं और 35 रन बनाए हैं और कल मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं, विकेट भी ली और लाला ने इनसे गले मिलके इनकी तारीफ भी की है माशाल्लाह। ये देखें, ये एक बड़ा इनके लिए अच्छा लम्हा होगा, इनकरेज करती हैं और इससे मुझे लगता है इनके बूस्ट मिलेगा हौसले बता रहा ना। ये लाहौर को हराने के बाद कराची चार ओवर में 23 रन दिए, बहुत अच्छा इन्होंने कल बॉलिंग की है, बहुत इकोनॉमी दे रहा है, अच्छी बॉलिंग की। और सेकंड मैच में, इससे पहले वाले मैच में जो इनका था जो हार गए थे वो, उसमें भी इन्होंने शुरू से अच्छी बॉल करते हुए आ रहे हैं और इसमें कोई दोराय नहीं है कि ये नए बॉल से अच्छा बॉल करते हैं एज ए स्पिनर T20 में। कामयाब कप्तानी की भी तारीफ यहाँ बनती है इनकी, कप्तानी में देखिए उन्होंने चेंज किया है कल, आपने आपको चेंज किया, अपना प्लान चेंज किया और वो नजर भी आया कामयाबी की सूरत में। छोटी शिकस्त नहीं है लाहौर कलंदर के लिए, बड़े मार्जिन से हरा है। मैं ग्राउंड में मैच देख रहा हूं, बड़े मार्जिन से हरा है बाबर भाई कराची ने, इसीलिए तो पॉइंट टेबल पे दूसरे पे आ गया ना, प्लस में आ गया, माइनस में था इनका रन, माइनस में था, सोचे तीन मैच हारने के बाद ऊपर आ गए और एकदम दूसरे पे आ गए। लेकिन वो ये है कि बहुत कम अरसे रहेंगे क्योंकि आज अगर जो भी टीम जीतेगी वो दूसरे पे आ जाएगी, उनके पॉइंट चार हो जाएंगे। लेकिन कल मैं ग्राउंड में मौजूद था, मैं मैच देख रहा था, जितनी तारीफ आप कराची किंग के खिलाड़ियों की करें, कप्तान की करें, उससे ज्यादा तारीफ आपको कराची के क्राउड की करना पड़ेगी। क्राउड तो नो डाउट सपोर्ट करता है, हारने के बावजूद एक एक बॉल के ऊपर वो बकअप कर रहे थे अपने खिलाड़ी को। आमिर जब बॉलिंग करने आता उसके रनअप के साथ साथ वो आवाजें लगाते थे, जब इमाद बॉलिंग करने आता जब इमरान, मतलब उन्होंने इतना ग्राउंड को उठाया हुआ था क्राउड ने कि मतलब ये जो लाहौर प्रेशर में गया है वो क्राउड के उस शोर की वजह से। अच्छा, इमाद ने क्या ऐसी तब्दीलियां की, क्योंकि हम एक दिन पहले डिस्कस कर रहे थे काशिफ, आप ये बात कर रहे थे कि वो आमिर को बोलते हुए बड़ा लिहाज मुरम्मत कर लेते थे, लेकिन कल भी देखें वो चेंजेस उसकी कप्तानी में जो आई है, मुझे नजर आता है वो वाजे फर्क नजर आता है, बटन नहीं डाला अपने बॉलर्स पे, खास तौर पे जो स्ट्रेंथ उन्होंने अपनी बॉलिंग की बनाई बटन नहीं डाला। आमिर एक ओवर करवाया हटा दिया, खुद एक ओवर किए रुक गए, आमिर यामिन को लेकर आए देखा कि वो दो ओवर अच्छे कर सकते हैं, कह रहा हूँ कि बॉलर्स को यूज किया छोटे छोटे चंक्स में, छोटे स्पेल्स में यूज किया फिर हटा लिया, थकने नहीं दिया। वरना मैं ये सोच रहा था कि हम तस्वीरें निकालें और दिखाएं कि बाकी टीम्स के फास्ट बॉलर्स और बाकी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी शक्लें कितनी फ्रेश हैं और कराची किंग के प्लेयर्स की कितनी थकी हुई शक्लें नजर आती हैं, क्योंकि उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, वर्कलोड ऐसा लगता है बहुत ज्यादा है। लेकिन कल जिस तरीके से उन्हें यूटिलाइज किया गया और यही होता है, नहीं जान आ गई उनमें, नहीं जान आ गई, बिल्कुल ऐसा लगता है। के बाद तो आप अगले मैच में, अगला मैच है भी मुल्तान में, मुल्तान के होम ग्राउंड में, कराची आज ट्रेवल कर चुका है, शाम तक रात तक पहुंच जाएगा मुल्तान, तो मुल्तान के अंदर अगर ये मुल्तान को हरा दें तो आप सोचे ना फिर कराची का कॉन्फिडेंस किधर चला, कराची को रोकना मुश्किल लग रहा है अगर ये अच्छे कंपटीशन के साथ ये बैड लक की वजह से हार रही थी, वरना कराची की टीम बैलेंस है। अभी इनके बाद तपरेश शमसी, बड़ी तारीफें हो रही है कराची टीम की, जब टीम अच्छा खेलेगी वो हार रही थी, हम वजह भी यही ढूंढना चाह रहे थे कि क्या वजह है कि डेथ ओवर में उनके बॉलर अगर विकेट नहीं ले रहे, एक और वजह ये भी है कि नहीं दिफा कर रहे फुलर और हेनरी टाई को इन्होंने बिठा दिया, ये बड़ा अच्छा किया।